हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मुनमुन मुनमुन लाइव में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? शायद आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी दोपहर के टाइम है, अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं स्टडी कर रही थी दोस्तों, तो मेरा स्टडी करना हो गया है, अभी एक बज गया है। और तो दोस्तों अभी दोपहर के टाइम है और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग रहिए मेरा ब्लॉग में कंटिन्यू। और अभी मैं खाना बनाऊँगी, क्या सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी आप लोग देखते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए, और जो मेरा चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए किचन में चलते हैं और क्या बनाएंगे खाने में तब लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ये रहा लौकी और आज मैं बनाऊँगी लौकी का कोफ्ता। तो जल्दी से इसको छील लेते हैं दोस्तों, इसको छिलना होगा, ऐसा तो नहीं बनाएंगे, छिलना तो होगा ना, सब सारा बना देंगे। हाँ बना लेते हैं, सब बना ही देंगे, इसमें क्या है। दोस्तों मैंने धो लिया है अच्छा से, इसको मैं ग्रेटर कर लेती हूँ, इसे मैं ग्रेटर करूँगी, छोटा छोटा पीसेस करूँगी तो अच्छा से हो जाएगा। ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, अच्छा से हो जाएगा। देखिए मैं ऐसे करूँगी, अरे तो नहीं तो हाथ कट जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इसमें काटने की बहुत संभावना है। तो मैं अच्छा से कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। दोस्तों ये मैंने ग्रेटर कर लिया है, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा, ताकि वो पानी निकल जाए थोड़ा सा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, बस इतना ही। और तो मिक्स कर लेते हैं, हाँ पानी निकालेंगे पूरा, इसका पानी निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें डाले हैं, इसको अच्छे से पानी निकालेंगे, ऐसे करके निकल रहा है अच्छे से, देखिए कितना पानी निकल रहा है। नमक दिए है ना, इसके लिए पूरा अच्छे से इसको निकालेंगे, देखिए कितना निकल रहा है। पानी सॉरी नमक दिए है ना, तो ऐसे निकल रहा पानी, ऐसे भी लौकी में बहुत ज्यादा पानी होता है। ये देखिए अच्छा से कर लिया है, इसमें थोड़ा हल्दी देंगे, बेसन वगैरह वगैरह जो भी है, थोड़ा मसाला डाल देते हैं इसमें। मसाला हल्दी है, थोड़ा सा मिक्स मसाला डालेंगे और ये मिर्चा डाल देते हैं, थोड़ा सा मिर्चा डाल देते हैं। क्या हो गया, बस नहीं तो खा नहीं पाएंगे।
और इसमें डालेंगे दोस्तों, इसमें बेसन डालेंगे थोड़ा, कढ़ाई गर्म हो जाएगा, इसको मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये देखिए इतना सारा है, तो इसको कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, तेल डालेंगे इसमें। अब फोन कहाँ रखूँ मैं, पहले सब खत्म कर देते हैं, बस इतना थोड़ा है। देख सकते हैं दोस्तों तेल गरम हो चुका है और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ ताकि सब्जी जल्दी से बना सकूँ, और इधर है मेरा ये देखिए, और मैं जल्दी से भी कर ये कर देते हूँ, निकालती हूँ, निकाल नहीं पूरा गर्म हो गया है, देख सकते हैं पूरा गर्म हो गया तेल। जल्दी जल्दी कर रही हूँ, अच्छा सा गर्म हो गया है। आओ देखिए कैसे उबल रहा है, अच्छे से बॉल पहले बना लेते ना तो दोस्तों जल्दी हो जाता, कोई बात नहीं जल्दी ही करेंगे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। अब कैसे वो बोल रहा है, देखिए दोस्तों सरार हम डाल दिए हैं, हिलाएंगे धीरे धीरे से, नहीं तो स्लो में कर रहे हैं, ज़्यादा ये नहीं किया है। आओ धीमी आंच में पकाएंगे तो सही रहेगा, अंदर भी पूरा अच्छा से पक जाएगा, पकने देते हैं। तेल में कढ़ाई चढ़ाए हैं, तेल डालेंगे, ये भगवान तेल ख़त्म हो गया, थोड़ा सा है अभी कम चल जाएगा, आज हो जाएगा। गर्म हो गया है दोस्तों कढ़ाई, इसमें तेल डाल देते हैं, ए तेल निकलो, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, बस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तेल ख़त्म हो गया दोस्तों। देखो ये देखो मसाला रेडी किए हैं और टमाटर भी रेडी किए हैं, सब रेडी करके रखे हैं, इस बार अभी पक रहा है, तब तक मसाला रेडी करेंगे, भूजेंगे मसाला अच्छा से और उसके बाद दिखाएंगे। देख सकते हैं टमाटर सब रेडी किया, इधर मेरे चावल बन भी गया है, सब कुछ जल्दी से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इधर मसाला में डाल दिया है और इधर ये भी पक रहा है, अब इसमें टमाटर डालेंगे, फ्लेम को कम कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जल्दी पकने के लिए, बस इसको ढक देते हैं। अब इसकी बारी, ये भी पक गया है और थोड़ा सा पूरा लो फ्लेम में कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हाई कर देते हैं, आँख में कुछ घुस गया, होने का हो गया है, देख सकते हो पूरा अच्छा से, ठीक है।
बारिश की वाव, पूरा बादल किया है। अरे क्या कर रहे हैं? पानी गिरेगा लगता है ना, गिरेगा। अच्छा इधर आ गए आप लोग, क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। क्लिप लगा दीजिए इधर। अच्छा हवा लग रहा है इधर में, मस्त। हाँ क्या हाल हो गया अभी देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ऐसे बन गया, पता नहीं नमक टेस्ट नहीं किया है, हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। हो गया होगा, टेस्ट करना पड़ेगा खाने टाइम। बस दालों नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर तो फ्रेंड हम टेस्ट करते हैं। टेस्टी तो है, कोफ्ता तो टेस्टी रहता है, बहुत टेस्ट है। मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काले ले ब्रेड, हाथ बड़ी दुख रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। खा लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलेंगे खा पी के। खा लेते हैं दोस्तों, पहले खा लेते हैं फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, खा लेते हैं। चलिए